हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। होप आप सब अच्छे होंगे और जैसे हमारी वीडियोस पे प्यार बरसाते रहते हैं, आगे भी बरसाते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं कहूँगी बहुत डिमांडफुल टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे बहुत बारी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने सोचा शायद आज यही टॉपिक कवर करना एक जस्टिफाइड होगा। सब लोग पूछते हैं कि मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है। मैं पहले भी इस बात को क्लियर कर चुकी हूँ कि मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो मैंने कोर्स किया है वो 1 साल का कोर्स है, और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट 2 साल का कोर्स है। बेसिकली जब आप 1 ईयर का एक कोर्स करते हो तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, और जब आप 2 ईयर का कोर्स करते हो तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। इनिशियली कुछ सालों से ये हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में इनरोल कर रहे थे उनको 3 ईयर्स का वर्क परमिट आ रहा था। रिसेंटली मैंने अपने बैच में जितने भी जनों के साथ ये कोर्स कवर किया है, हम में से किसी का भी 3 ईयर्स का वर्क परमिट नहीं आया, हम सबको 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिला है। ऑल दो इट वॉज़ अ 30 क्रेडिट 3 सेमेस्टर कोर्स, और लास्ट सेमेस्टर तक मतलब मेरे से पहले जिन्होंने 1 सेमेस्टर पहले कोर्स ख़त्म किया है उनको भी 3 साल का वर्क परमिट आया था। बट लेकिन मेरे को लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में बिकॉज क्रैंडल इज़ इन वेरी हाई डिमांड, यहाँ पे मैच्योर स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पे इस कोर्स को अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इस रिस्क को लेके चलिए कि इसके साथ आपको 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलेगा। अगर 3 ईयर का मिल जाता है तो इट्स गुड फॉर यू, बट इसको माइंड में पिक्चर को क्लियर रखना कि ये 1 ईयर का ही वर्क परमिट देगा, 3 ईयर्स का नहीं देगा। ऑन अ सेफर साइड, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ 3 ईयर्स वर्क परमिट, आप जा सकते हैं मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। वो उसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपको 2 साल में सिर्फ 9 कोर्सेज स्टडी करने होते हैं। ऑल द मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में मैंने 10 कोर्सेज स्टडी करे हैं विद इन 1 ईयर स्पैन, और उसमें एक कोअप होता है आपका मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में, जो आपका 4 मंथ्स का कोअप होता है, वो आपका पेड कोअप होता है। मींस जहाँ पर भी आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे, जिसके लिए आपको पे भी किया जाएगा। उससे रिलेटेड आपको एक एंड में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके देनी होती है, और उसके अलावा आपको छुट्टियाँ भी मिलती हैं जिसमें आप आराम से जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब कर सकते हो, और आप अर्न करके अपने आगे के एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। जो मैंने यहाँ पे देखा है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आपको बेसिकली 1 ईयर की ट्यूशन फीस देनी होती है। तो जो 1 ईयर की ट्यूशन फी है उसकी अराउंड है $17,000, और अगर कंपेयर करें मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से तो उसकी 1 ईयर की फ़ीस जो है अराउंड है $26,000। तो आपको दोनों ही कोर्सेज में 1 ईयर की फ़ीस देनी होती है। अगर आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट लेते हैं तो आप 1 ईयर की फ़ीस दे के आ सकते हैं, देन यू कैन कम हेयर, यू कैन वर्क फुल टाइम, बिकॉज अब हर स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर सकता है 40 आवर्स। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि हम कितना अर्न कर सकते हैं। सो करंट वेज रेट है 14.75, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी सर्वाइवल जॉब में भी जॉब करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, या फिर आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 14.75 मिनिमम वेज रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा 40 आवर्स काम कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से अपने एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं, और अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो भी आप पे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने पे करी भी है मेरे सामने रिसेंटली। और आप ये करें कि 1 ईयर का आप एक्सपेंस लेके चलिए माइंड में, जो GIC बननी है दोनों के केस में सेम 10,000 की ही बनती है। तो अब मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया 1 ईयर का ही परमिट आ रहा है, तो आप अपने रिस्क पे इस कोर्स को इसलिए करिए क्योंकि आप देखिए कि आपके इनफ पॉइंट एक्सप्रेस एंट्री में बाद में बनते हैं कि नहीं, आपने फेडरल पाथवे के थ्रू जाना है या आपने बाद में न्यू ब्रंसविक पाथवे के थ्रू जाना है, आपको ये चीज़ माइंड में पहले क्लियर करके चलनी पड़ेगी। इन माई केस आई वॉज प्रिटी मच श्योर दैट मेरे को पॉइंट्स, 1 साल का वर्क परमिट भी आता है तो मेरे पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, इन दी सेंस क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि मुझे फेडरल के थ्रू ही जाना है। आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि मेरे को न्यू ब्रंसविक पाथवे के थ्रू ही जाना है, तो मेरी PNP आराम से आ जाएगी। और उसमें ये है कि मेरे पास ऑलरेडी इंडिया से 7 ईयर्स का NOC A का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को उससे अपनी एक्सप्रेस एंट्री फाइल करने में प्रॉब्लम नहीं आई। बेसिकली वो लोग तो मास्टर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का कोर्स बिल्कुल ना करें जिनके पास एटलीस्ट 3 या 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस अपनी कंट्री से ना हो, और स्पेशली NOC OA B में ना हो। उससे ये होगा कि आप जब अपनी फेडरल में फाइल लगाएंगे तो आपके पास पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे,
और मेच्योर स्टूडेंट्स के केस में वैसे भी एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स ऑलरेडी कम होते चले जाते हैं। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में आने से वो रिस्क फैक्टर आपका कम हो जाता है। जब आपको 2 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा तो आपके पास इनफ टाइम होगा अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। बेसिकली कहूँ तो नॉक बी की जॉब ढूंढने में या नॉक ए की जॉब ढूंढने में आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। या फिर अगर आपने इनिशियली कहीं पे स्टार्टअप भी कर दिया होगा जब आप आए होगे एज इन स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपने ग्रो करके आप सुपरवाइजर लेवल पे तो पहुँच ही गए होगे आफ्टर 2 ईयर्स, जिसकी वजह से आपको वो एक जो पॉइंट है कि भाई हम नॉक बी का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे, आप उसमें भी लाए नहीं करते, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर आपका कम हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आप कहाँ स्टैंड होते हो आफ्टर 1 ईयर कोर्स और आप कहाँ स्टैंड होते हो आफ्टर 2 ईयर्स कोर्स। इन माई केस आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि मैंने जो 1 ईयर का कोर्स किया है इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। ऑल दो इट वॉज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू 2 ईयर्स कोर्स, मेरे पास टाइम कम था, लेकिन मुझे 2 साल की स्टडी पे नहीं जाना था। आई लाइक रिसर्च अ लॉट, मैंने यहाँ पे बात भी करी काफ़ी प्रीवियस स्टूडेंट से, उन्होंने ये बोला कि देखो आने को 1 साल का आ जाए, आने को 3 साल का आ जाए, हमारा 3 साल का भी आया है और फ्यू पीपल इन अ बैच गॉट फॉर 1 ईयर एंड दे पुट इट फॉर रिकन्सिडरेशन और दोबारा आया है। वैसे मैंने भी अपना रिकन्सिडरेशन डाला है बट मुझे उम्मीद नहीं है और मैं उस चीज़ पर मैंने उम्मीद रखी भी नहीं है कि मुझे 3 साल का मिल जाए, बिकॉज आई हैव माई ओन क्लियर पाथवे कि मुझे PR का पाथवे कौन सा लेना था, और इससे आपकी PR भी जल्दी आ जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 1 ईयर का कोर्स करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर नॉक सी की जॉब भी कर रहे हैं जैसे मैंने की यहाँ पर। अभी जो रिसेंटली मैं जॉब कर रही हूँ वो मैं प्रोफाइल आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ दैट वॉज अ नॉक सी जॉब जो मैंने 1 साल करी, जिसमें से मैंने अपने पूरे कोर्स के टाइम पे वो पार्ट टाइम रखी और अब मैं उसको फुल टाइम कर रही हूँ। एंड साइड बाई साइड आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, जब भी मिलेगी मैं मूव हो जाऊँगी। लेकिन जब मैंने अपनी PR लगाई न्यू ब्रंसविक स्टूडेंट्स ट्री पाथवे में, तो उसमें उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने यहाँ पर नॉक बी की जॉब करी है या नॉक ए की जॉब करी है। जो मेन रिक्वायरमेंट थी कि आपने ऑल ओवर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉक ओ ए बी में। ऑल ओवर मीन्स आपकी कंट्री का भी चलेगा पहले, या कहीं पर भी ही चलेगा, कैनेडियन भी चलेगा। और जैसे कि ही कोर्स ख़त्म होता है वैसे ही यू गॉट 6 मंथ्स टू अप्लाई फॉर दिस PR, और मैंने ऐसे ही किया। मेरे टाइम में जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो ये PR बंद थी, लेकिन जैसे ही खुली आई वेंट फॉर IELTS एग्ज़ाम, मैंने ये PR फाइल कर दी। और इसका जो ITA आता है वो भी बहुत जल्दी आता है, और रिसेंटली जिन्होंने भी अप्लाई करी विद इन 2 मंथ्स के अंदर ITAs हमारे हाथ में थे। और अब आगे जैसे जैसे स्टेप्स होंगे वैसे वैसे हम उस PR पाथवे के थ्रू आगे चलते चले जाएंगे। तो आपके ऊपर है, आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं या नहीं है इंडिया से, आप अपनी फैमिली को कितना सिक्योर रखना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं 1 ईयर 2 ईयर वाला ने या नहीं लेना चाहते, आप इस कोर्स को करने के बाद न्यू ब्रंसविक में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ये सब फैक्टर्स आपको कवर करने पड़ेंगे। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सेफर साइड, गो फॉर अ 2 ईयर प्रोग्राम। डोंट थिंक कि ये 34,000 का प्रोग्राम है, टेक इट एज इन 17,000 ही देने हैं आपको इनिशियली। आपको GIC भी 10,000 ही देनी है इनिशियली, और बाद में आप सेकेंड ईयर की अर्निंग करके अपनी फीस निकाल सकते हो। तो जो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है जो बार बार सब लोग पूछते हैं कि हम किस पे जाएं किस पे ना जाएं, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। आप देखो कि आपने न्यू ब्रंसविक में ही रहना है आने वाले टाइम में, या फिर आपने फेडरल के थ्रू जाना है। अगर आपने फेडरल के थ्रू जाना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में जाइए, ताकि आपको इनफ टाइम मिल जाए अपना कोर्स करने के बाद अपने लिए एक अच्छी नॉक की जॉब ढूंढने के लिए, जिससे आपके फेडरल में भी पॉइंट्स कलेक्ट हों। होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो डू कॉमेंट एंड आस्क मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।